जय हिंद। स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है अमर उजाला न्यूज़पेपर में, और ये खबर है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके अंदर भी ऐसे बच्चों के लिए जो 21 और 22 के सेशन में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो की टैगलाइन से आपको मालूम चल गया है प्रवेश परीक्षा को लेकर हुआ है थोड़ा सा फेरबदल, या कहें कि सबसे बड़ा फेरबदल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। फेरबदल क्या है उसके बारे में पूरी पड़ताल करेंगे। सोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पूरी खबर को डिटेल में अखबार के उस कटिंग हेडिंग में जाकर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। खबर यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 21 और 22 के सेशन में जो भी बच्चे पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी को देनी होगी प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, सभी से मतलब सभी से, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आपने इंडिया का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सभी को देनी होगी प्रवेश परीक्षा। अब सभी से मतलब ऐसे कौन से हैं जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एसआरएफ होते हैं, गैट होते हैं, सेट होते हैं, स्लेट होते हैं, आईसीएचआर जेआरएफ होते हैं, आईसीएमआर जेआरएफ होते हैं, उन सभी को प्रवेश परीक्षाओं से छूट दी जाती है अमूमन विश्वविद्यालयों में, पीएचडी के लिए भी, एमफिल के लिए भी। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार ये तय किया है कि जी नहीं, क्योंकि दो परीक्षाएं होती हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए, पेपर वन और पेपर टू, जिसको क्रेट बोलते हैं, CRET क्रेट। तो क्रेट वन और क्रेट टू के लिए नोटिफिकेशन है ये। नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर नहीं है, अखबार में पब्लिश हुआ है। 10 सितंबर की खबर है। 10 सितंबर की खबर का लिंक आपको दे दिया गया। खबर ये कहती है कि क्रेट वन में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, और अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन क्या सभी विषयों पर लागू होगा, या कुछ आर्ट्स या कुछ कॉमर्स, कुछ साइंस, कुछ प्रोफेशनल कोर्स पर लागू होगा। खबर तो यही है कि प्रवेश परीक्षा पेपर वन के लिए सभी विद्यार्थियों को देनी होगी, और पेपर वन का जो पार्ट टू होता है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन होता है, उससे छूट जैसे मिलती है वैसे ही मिलेगी। इसको और ऐसे समझिए कि नेट JRF SRF RJNF ये होने पे आपको एंट्रेंस से छूट मिल जाती थी, ठीक है, चाहे आपके रिसर्च के क्वेश्चन हो, चाहे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन हो। लेकिन खबर और ये नया परिवर्तन ये है कि क्रेड वन में जो एप्टीट्यूड, टीचिंग, रिसर्च मेथोलॉजी, मेथड, UGC के सवाल होते थे, वह सभी को देने होंगे, उससे छूट नहीं है। लेकिन जो क्रेड टू पेपर है उससे आपको छूट दी गई है जैसे पहले दी जाती थी। खबर यही है। पूरी खबर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट और इस अखबार में पढ़ लीजिएगा। मुझे जितनी खबर मिली आपको दे दी गई। सही गलत क्या है ये आप तय करिएगा, और अगले वीडियो का वेट करिएगा एक और नए अपडेट के साथ, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पीएचडी 20 और 21 की। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 20 और 21 की कुछ नए अपडेट आए हैं, और एक नया बवंडर खड़ा हो गया है, उसकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम।